नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे दोस्तों प्रधानमंत्री मानधन पेंशन योजना, जिसमें सरकार कह रही है कि 3,000 रुपये महीना आपको पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इसकी क्या कंडीशन रहने वाली है और ये किन लोगों को लाभ दिया जाएगा, किन लोगों को ये पेंशन मिलने वाली है, और साथ ही साथ यह समझेंगे कि ई श्रम कार्ड का बेनिफिट आपको यहाँ पे क्या मिल सकता है। ए टू जेड जानकारी दोस्तों हम इस वीडियो में आपके साथ साझा करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप किसी गाँव देहात या फिर आप सीमांत किसान हैं या फिर आप ई श्रम कार्ड के दायरे में आते हैं और आपने अपना ई श्रम कार्ड आसानी पूर्वक बना लिया है, अब ये वीडियो दोस्तों आपको काफी ज्यादा लाभ देने वाली होगी। चलिए समझते हैं। तो प्रधानमंत्री मानधन पेंशन योजना दोस्तों, इसको 2019 में शुरू किया गया था। 2019 के बाद ये सतत रूप में अपने चल रही है, लेकिन अभी पेंशन देने की जो प्रक्रिया है वो लागू नहीं हुई है। लागू का मतलब यह है कि ये लाभ अभी लोगों को नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, जब हम आगे समझेंगे तो पता चलेगा आपको कि लाभ मिलता किस तरीके से है। तो ये योजना जो शुरू की गई है, ये योजना जो शुरू की गई है दोस्तों, सीमांत किसानों के लिए शुरू की गई थी 2019 में। सीमांत किसान कौन होते हैं? सीमांत किसान वो होते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम जमीन होती है, जो खेती करने की जमीन होती है, उन लोगों को सीमांत किसान सरकार मानती है अपने रिकॉर्ड में। तो उन लोगों के लिए दोस्तों इस योजना को शुरू किया गया था। अब दूसरी चीज दोस्तों यहां से निकल के आती है कि सर हमारे पास तो बिल्कुल भूमि नहीं है, हम तो भूमिहीन है, तो क्या हमें इस पेंशन का लाभ मिल सकता है या फिर नहीं? तो देखिए, 5 करोड़ लोगों को इस योजना से जोड़ने का सरकार का लक्ष्य है। तो जिन लोगों ने अपने ई श्रम कार्ड बनाए हैं, वो लोग भी इस योजना के लिए आवेदन दे सकते हैं। आवेदन बिल्कुल ऑनलाइन होगा और जहां से आपने अपना ई श्रम कार्ड बनवाया था उसी साइट पे जाकर के आप प्रधानमंत्री मानधन पेंशन योजना के लिए आवेदन दे सकते हैं। बहुत आसानी से आप इसको आवेदन कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन होगा जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। लाभ जो मिलेगा दोस्तों इसमें आपको 3,000 रुपये महा या फिर 36,000 रुपये वार्षिक रूप से आपको दिए जाएंगे। उम्र सीमा क्या रहेगी इसमें, तो 18 से 40 साल तक के कोई भी व्यक्ति पेंशन योजना के लिए आवेदन दे सकते हैं, लेकिन ये दोनों कंडीशन वो पूरी करती हूँ, या तो सीमांत किसान हूँ या फिर ई श्रम कार्ड धारक हूँ, इसके अलावा और लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं। दस्तावेज क्या लगेंगे अगर ऑनलाइन आवेदन करें, तो सबसे पहले तो आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, खसरा खतौनी यानी कि जमीन का आपके कागज होते हैं, बैंक की पासबुक आपकी चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए और एक फ़ोटो की आवश्यकता पड़ेगी आपको फॉर्म ऑनलाइन कराते वक्त। ये तो हुई दोस्तों इस पेंशन योजना से जुड़ी हुई जरूरी बातें। अब बात करते हैं काम की। यहाँ पे कुछ अन्य बातें दोस्तों यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये आपके बहुत काम की है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा तब तक आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा लग सकता है कि सर ये क्या योजना हुई कि मतलब पैसे लेने की बात की जा रही है, तो ये समझ के चलिए दोस्तों इसमें आपसे 55 रुपये प्रति माह लिए जाएंगे। 55 रुपये प्रति माह सरकार आपके खाते से डिडक्ट कर लेगी अगर आप इस पेंशन योजना के लिए आवेदन दे चुके हैं तो। 55 रुपये प्रति माह, 55 रुपये प्रति माह किससे लिए जाएंगे, जिसकी उम्र 18 से 40 साल के बीच में है वो व्यक्ति देगा 55 रुपये प्रति माह। जो व्यक्ति 40 साल से ऊपर का आवेदन किया है उसको देने होंगे दोस्तों 200 रुपये प्रति माह। 200 रुपये प्रति माह का मतलब ये हुआ 2400 रुपये पर ईयर के हिसाब से आपको देने होंगे। कितने दिन तक देने होंगे ये आपको, अगर आप 40 साल से ऊपर के हैं तो आप मान के चलिए अगर 50 साल में इसका आवेदन कर रहे हैं तो आप 10 साल देंगे, और अगर आप 18 से 40 साल के बीच में तो मान के चलिए 20 साल तक आपको ये 55 रुपये प्रति माह अपने खाते से कटवाने होंगे। अब जब आपकी उम्र 60 साल हो जाएगी तब आपको इस पेंशन योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, यानी कि 60 साल के बाद आपके खाते में सरकार 3,000 रुपये महीना भेजेगी, 60 साल तक आपसे लेगी, ठीक है ना। 55 और 200 की कंडीशन आपको समझ में आ गई, 60 साल के बाद आपको ये लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अब आप लोगों के मन में सवाल होगा कि 60 साल तक क्या पता हम नहीं रहे, उस कंडीशन में क्या होगा? तो उस कंडीशन में जिसको आपने नॉमिनी बनाया है, मान लो नॉमिनी आपने अपनी वाइफ को बनाया है ना, तो वो लाभ आपकी पत्नी के खाते में जाता रहेगा 3,000 रुपये महीने वाला। अब यहाँ एक सवाल और है, आपने इस योजना के लिए फॉर्म भर दिया, ऑनलाइन आवेदन कर दिया, आप 55 रुपये महीना भी देते रहे, लेकिन आपको पता चला 5 या 10 साल के बाद कि मुझे इस योजना में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है और मैं इस योजना को बंद करना चाहता हूँ,
तो आपका जितना भी पैसा जमा हुआ है इन 5-10 सालों में वो मय इंटरेस्ट के वापस कर दिया जाएगा। कौन सा इंटरेस्ट रेट लगेगा इसमें, तो आपकी बैंक के हिसाब से जो इंटरेस्ट रेट सरकार तय करती है उसी इंटरेस्ट रेट के साथ आपका पूरा पैसा आपके खाते में वापस कर दिया जाएगा। बिल्कुल समझ में आती है ये वाली बात। तो यहां से दोस्तों मोटी मोटी जो बातें थी वो हमने बता दी कि इसके बेनिफिट क्या क्या हैं और इसमें फॉल्ट क्या क्या है। पैसा लिया जाएगा उसके बाद आपको पेंशन दिया जाएगा। आप ऐसा ना सोचें कि ऑनलाइन आवेदन कर दिया आपने और आप पेंशन के हकदार हो जाएंगे। अगर ऐसे हकदार सब हो जाते तो दोस्तों सिर्फ 5 करोड़ लोग ही नहीं रहते हैं अपने भारत में, 125 करोड़ की आबादी है जिसमें कम से कम 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जो खेती किसानी करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो बात समझ में आ गई आप लोगों को, हमने सारे प्रश्न आपके लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। अगर अब भी आप इंटरेस्टेड हैं इस पेंशन का लाभ लेने के लिए तो आप दी हुई वेबसाइट पर जा करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या फिर आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर या त्रिवेणी केंद्र पर जा करके इस फॉर्म को कंप्लीट करा सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलेंगे आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।